नमस्कार, खबर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपक। पेश है रात 9 बजे तक की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले खबरें महानगर से। हावड़ा के होम में बच्चों से यौन शोषण, पूर्व डिप्टी मेयर की बहू सहित 10 गिरफ्तार। हावड़ा में पूर्व डिप्टी मेयर के होम में बच्चों से दुर्व्यवहार का आरोप है। आरोप है कि वहां पर बच्चों से यौन शोषण किया जाता था। इस मामले में हावड़ा सिटी पुलिस ने पूर्व डिप्टी मेयर की बहू समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि इसमें एक WBCS अधिकारी भी शामिल है। घटना मालीपांचघरा थाना अंतर्गत श्रीराम ढैंग रोड की है। पुलिस के अनुसार हावड़ा नगर निगम की पूर्व डिप्टी मेयर मिंती अधिकारी एक गैर सरकारी होम चलाती हैं। इसका नाम कोहना वुमेन एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर सोसाइटी है। यहाँ पर बच्चों को एडॉप्ट किया जाता है। इस होम की संचालक मिंती अधिकारी की बहू गीताश्री अधिकारी है। पुलिस ने मामले में गीताश्री अधिकारी को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस अभियुक्तों से पूछताछ कर मामले में फरार अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। डिप्टी मेयर उन्नी छिलेन उन्नी जतदिन निर्वाचन होच्छे ना उन्नी डिप्टी मेयर नामे ही उन्नी परिचित। एबार ओनार पुत्र बधूर होमे एक क्रियाकलाप चलछिलो। कार साहस होबे, कौन पुलिसेर साहस होबे, एकटा काउंसिलरेर कोनो लोकके हाथ देवार पुलिसेर दम नेई। এখানে MLA-র ছেলেগুলো পুলিশকে গুলি মেরে চার চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে কিছু হচ্ছে না। ডেপুটি মেয়র উপরে হাত কে দেবে? এখন এই সব খুলছে, যদি ভালো করে তদন্ত হয় আমি তো বলবো হাই লেভেল ইনকোয়ারি হলে এর মধ্যে অনেক কিছু বেরোতে পারে। ডিসেম্বর কে পহলে হফতে মে মুম্বাই যা সকতি হ্যায় মমতা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ডিসেম্বর কে পহলে হফতে মে মুম্বাই যা সকতি হ্যায়। मुख्यमंत्री का मुंबई दौरा राजनीतिक समीकरण बैठाने के लिए नहीं बल्कि बंगाल में निवेश बढ़ाने के लिए अहम माना जा रहा है। करीब 2 सालों के बाद राज्य में ग्लोबल बिजनेस समिट होने जा रहा है। ममता सरकार का लक्ष्य देश विदेश से राज्य में अधिक से अधिक निवेश लाने का है। कुल मिलाकर इस बार का BGBS सफल करने में खुद ममता बनर्जी जुट गई है। 2 लड़कियों के हाथ बांधकर ले जा रहे युवक को पुलिस ने पकड़ा। महानगर में दिन दहाड़े 2 किशोरियों के अपहरण की कोशिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। घटना तिलजला थाना अंतर्गत EM बाईपास की है। तिजला ट्रैफिक गार्ड के अधिकारियों ने दोनों किशोरियों को धर कर अभियुक्त व्यक्ति को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के अनुसार दोनों किशोरियों का हाथ एक ही रस्सी से बांधा गया था। फिलहाल पुलिस मामले में संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। चाचा, काका, दादा, दीदी क्यों नहीं सर? थाना नहीं जान, थाना उपाय नहीं, थाना नहीं जान, थाना क्यों नहीं जान, इधर क्यों नहीं जान, गाड़ी क्यों रखा? हाँ, रखो रखो। बेलियाघाटा में रक्त रंजित अवस्था में मिला विद्या का शव। बेलियाघाटा थाना अंतर्गत हरमोहन घोषले में एक विद्या का रक्त रंजित अवस्था में शव पाया गया। मृतका का नाम अंजलि दे है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे NRS मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं स्थानीय लोगों ने विद्या के बेटी और दामाद पर हत्या का आरोप लगाया है। लोगों के अनुसार संपत्ति विवाद के कारण बेटी और दामाद ने विद्या की हत्या की। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। शॉर्ट लेक के मकान में लगी आग। सॉल्ट लेक इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स थाना अंतर्गत सेक्टर 5 के महेश भतन इलाके के एक मकान में आग लग गई। शनिवार की सुबह लगी आग की खबर पाकर मौके पर पहुंचे दमकल के 3 इंजीनियर ने आग पर काबू पाया। हादसे में कोई हताहत नहीं। दमकल अधिकारियों की प्राथमिक जांच के अनुसार आग संभवतः इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। एक नज़र जिलों की खबरों की ओर। चुचुरा में युवक को मारी गई गोली। चुचुरा के श्याम बाबू घाट में एक युवक को गोली मार दी गई। घायल युवक का नाम दीप मंडल है। वहीं घटना के बाद से हमलावर राजा विश्वास फरार है। आरोप है कि बातचीत के दौरान हुए विवाद के बाद राजा ने दीप को गोली मार दी। हमले में दीप के कमर में गोली लगी है। उसे फिलहाल कलकत्ता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो सन्धे बेला बेड़े बोलो माँ हमें 9:30 समय बाड़ी जाबो। हमें 9:30 बजे डाकते गए थे, बोलो हमें 2 मिनट पर जाती। तारपर से ही चले बेड़े चार घर दिखे। चिंगड़ी घाटा में दुर्घटना को रोकने के लिए अब विधाननगर ट्रैफिक पुलिस तत्पर हो गई है। शनिवार को विधाननगर ट्रैफिक पुलिस की ओर से इलाके में जागरूकता अभियान चलाया गया। साथ ही मोबाइल पर बात करते हुए सड़क पार कर रहे लोगों का चालान काटा गया। छोटे भूलर एक बिराट क्षति होते भूलर पदचारी जीवन संशय होते विधाननगर ट्रैफिक पुलिस पक्ष समस्त पदचारी এবং যানবাহন চালক ভাইদের কাছে বিশেষ অনুরোধ, আপনারা নির্দিষ্ট সিগন্যাল এবং জেব্রা ক্রসিং ধরে পারাপার করুন। আইয়ে রুখ করতে হ্যায় দেশ বিদেশ কি খবরো পর। ক্রুজ ড্রাগস কেস। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा आर्यन खान को आरोपी साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। बेल ऑर्डर हुआ पब्लिश।
कुछ खबरें एंटरटेनमेंट की दुनिया से। बिग बॉस में होगी समिता सेठी की एंट्री। बिग बॉस 15 का ये वीकेंड का वार काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीकेंड का वार में समिता सेठी घर में फिर से एंटर करती नजर आएंगी। दरअसल शो के इस हफ्ते का प्रोमो वीडियो सामने आया है, जिसमें समिता घर में एंट्री कर रही है। इस वीडियो पर फैंस जमकर रिएक्ट कर रहे हैं। साल 2011 का आखिरी और दूसरा सूर्य ग्रहण 4 दिसंबर 2021 शनिवार को लगेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार 4 दिसंबर को मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण को एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना माना जाता है। सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक महत्व भी होता है। ग्रहण को ज्योतिष में अशुभ घटना में गिना जाता है, यही कारण है कि इस दौरान पूजा पाठ और शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए खबर एक्सप्रेस रात 11 बजे। नमस्कार।